तो अब हम तमिलनाडु को छूते हुए वापस जा रहे हैं, और वैसे भी अभी हमें तमिलनाडु जाना ही है क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टॉप है कन्याकुमारी। जी हाँ दोस्तों, हम हैं कन्याकुमारी में। तो ये है वो सनसेट पॉइंट। एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी हमारे साथ, एंड मैन लाइक दीज आर द रियल सुपर हीरो। चलिए दौड़िए भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। और जैसा कि आप पीछे वाले पार्ट्स में आपने देखा कि हम कोवलम में यहाँ के फेमस बीचेस वगैरह एक्सप्लोर करा हमने, फिर उसके बाद हम पुआर हाईलैंड गए। पुआर पे हमने मोटर बोट राइड किया, काफी अच्छा था वो। इनफैक्ट वो मुझे एलेपी से भी अच्छा लगा। आपको मैं अगर ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो एलेपी के हाउस बोट से कहीं ज्यादा बेटर मुझे पुआर का मोटर बोट राइड लगा। पुआर को एक्सप्लोर करने के बाद हम वहां से कन्याकुमारी के लिए निकलेंगे। कन्याकुमारी जो तमिलनाडु स्टेट में आता है, यहां से तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर है। कन्याकुमारी को लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं और द लैंड एंड्स के नाम से भी उसको जानते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे भारत की सीमा खत्म हो जाती है। कन्याकुमारी का नाम देवी कन्याकुमारी के नाम पे रखा गया है, जो लॉर्ड कृष्णा की बहन मानी जाती थी। शी वॉज कंसिडर्ड टू बी द सिस्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। बाद में जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने कन्याकुमारी का नाम बदल के कॉमरिन रख दिया। फिर जब वो चले गए तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने मिलके वापस से कन्याकुमारी का नाम कन्याकुमारी रख दिया। हेलो दोस्तों, तो आखिरकार हमने अपनी कन्याकुमारी की जर्नी स्टार्ट कर दी है। अब हम अपनी कैब की तरफ जा रहे हैं जो पार्क्ड है। गर्मी काफी है, अगर आप आते हैं तो अपने साथ पानी की बॉटल्स, एनर्जी ड्रिंक या ग्लूकोज ड्रिंक्स वगैरह जरूर कैरी करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने का भी आपको खतरा रहेगा इस मौसम में। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये जनरल लाइन है और ये स्पेशल लाइन। जनरल टिकट 50 रुपीज का है एंड स्पेशल वाला 200 रुपीज का है। इससे आप काफी समय बचा सकते हैं, तो हम भी स्पेशल वाली लाइन में लगे हुए हैं। हम अपनी अगली जर्नी और अपनी अगली लोकेशन में पहुंच गए हैं, और आप ये दो चीज देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम कहां पे आए हुए हैं। जी हां दोस्तों, हम हैं कन्याकुमारी में। जो राइट साइड में ऊंची सी स्टैचू देख रहे हैं वो स्टैचू है द ग्रेट तमिल पोएट थिरुवल्लुवर जी की, और जो लेफ्ट साइड में है ये वाला है विवेकानंद रॉक। ये विवेकानंद रॉक 1970 में बनके तैयार हुआ था और इसको एज अ मेमोरियल की तरह यूज करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि विवेकानंद जी ने अपना इनलाइटमेंट इन्हीं पत्थरों पे बैठ के किया था। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एज यू कैन सी। ये वो बोट स्टेशन है या ये वो जेटी स्टेशन है जहाँ पे लोग आते हैं और लाइन में लग के टिकट लेते हैं। जनरल टिकट का दाम 50 रुपये है और स्पेशल का 200 रुपया। अगर आप लंबी लाइन से बचना चाहते हैं तो 200 रुपये वाला टिकट जो कि स्पेशल टिकट है आप वो ले सकते हैं, लेकिन बोट में बैठने के लिए आपको लाइन का सामना करना ही पड़ेगा। और 50 रुपये वाली जो टिकट है, जो जनरल टिकट है, वो उसकी लाइनें काफी दूर तक, अभी हमने देखा काफी दूर तक लाइनें थी वहाँ पे। निराश होने की जरूरत नहीं, हम आपको दूर से ही दिखा देते हैं। वैसे भी विवेकानंद रॉक में आपको कैमराज अलाउड नहीं है, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है अंदर से, तो हम आपको बाहर से ही दिखा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। आप दूर से ही ये दोनों भव्य इमारत का नजारा देखें। सुनने में आया है कन्याकुमारी का जो सनसेट है काफी फेमस है, काफी अच्छा होता है, तो हम भी अब यहाँ के सनसेट वाले पॉइंट पे जा रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको साफ साफ दो रंग दिख रहे होंगे इस समुद्र का, एक गाढ़ा नीला और एक हल्का नीला, और यही वो जगह है जहाँ हमारे भारत देश के 3 महासागर आके मिलते हैं। तो ये है वो सनसेट पॉइंट जहाँ पे हजारों पर्यटक बेहद ही खूबसूरत सूर्यास्त का आनंद लेने आते हैं। माफी चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपको विवेकानंद रॉक उतनी अच्छे से दिखा नहीं पाया, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। वैसे भी मैं दिखा भी नहीं सकता था, सिर्फ बाहर का ही दिखा पाता, अंदर वीडियोग्राफी और फोटोज अलाउड नहीं है, तो मैंने कोशिश की है आपको उसकी कुछ झलकियां दिखाने को बाहर से, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज डोंट माइंड। लेकिन मैं आपको जो कन्याकुमारी जो अपनी दूसरी सबसे बेहद लोकप्रिय चीज के लिए फेमस है वो है यहाँ का सनसेट और सनराइज। तो हम आपको सनसेट तो जरूर दिखा के जाएंगे, और अभी हम खड़े हैं कन्याकुमारी में ही जहाँ पे हजारों पर्यटक आते हैं सिर्फ और सिर्फ सनराइज और सनसेट का नजारा देखने, और ये है कन्याकुमारी का द वेरी फेमस सनसेट पॉइंट। देखिए
Now this is seriously amazing, guys. This is by far one of the best sunsets I have ever come across. This is really spectacular and mesmerizing. कन्याकुमारी के सनसेट का एक बेहद ही आकर्षक नज़ारा देखने के बाद हम वापस कोवलम बीच आए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर कैफे है। काफी साइकेडेलिक वाली फील आएगी एंड काफी कलरफुल ग्राफिटी वगैरह बनी हुई है। साथ ही साथ आप सभी को कोवलम बीच की सुनहरी चकाचौंध से भी रूबरू कराना है, तो चलिए आपको कुछ अमेजिंग कैफेज वगैरह दिखाते हैं कोवलम बीच में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स 6 AM इन द मॉर्निंग, सुबह के 6 बज रहे हैं। हमारे साथ अभी एक बहुत ही स्वीट इंसिडेंस हुआ। अराउंड 3:30 इन द मॉर्निंग, 3:30 AM एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी हमारे साथ। इट वाज अ काइंड ऑफ अ फीमेल मेडिकल इमरजेंसी। सुबह के 3:30 बज रहे थे एंड जस्ट बिकॉज कि ये प्रॉपर्टी मेन रोड से काफी अंदर है, जंगल वाले एरिया में है, जस्ट बिकॉज कि ये फीमेल मेडिकल इमरजेंसी थी तो आई हैड टू रिएक्ट क्विक। तो मैं बाहर जाके मेडिकल स्टोर्स वगैरह देख रहा था, बट यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी मेडिकल स्टोर अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे सिर्फ पानी, चिप्स एंड लोकल शॉप्स ही अवेलेबल है। हम काफी परेशान हो गए बिकॉज फीमेल मेडिकल इमरजेंसीज कभी भी आ सकती है, एट रैंडम, यू नेवर नो अबाउट इट। तो हमने फिर 4 बजे के अराउंड एक बार सोचा कि रिसेप्शन में क्यों ना ट्राई किया जाए कॉल करके। हम काफी डाउटफुल थे कि वेदर रिसेप्शन में हमारा फोन रिसीव करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि सुबह के 4 बजे जनरली कोई अवेलेबल नहीं होता है रिसेप्शन पे। एंड हमने जब रिसेप्शन पे कॉल किया, देयर वाज वन गाय हु पिक द कॉल सो अर्ली एंड द फीमेल ट्राइड एक्सप्लेनिंग द एंटायर सिनेरियो, एंटायर प्रॉब्लम, एंड दैट गाय वेंट ऑल द वे टू हिज होम टू गेट दो सैनिटरी पैड्स फॉर दैट फीमेल। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमें कोई हेल्प मिल पाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी काफी अंदर है, वेरी इंटीरियर पार्ट ऑफ कोवलम। उन्होंने हमारी मदद की, तो चलिए मैं आपको उन महापुरुष, उस व्यक्ति से आपको मिलाता हूँ जिन्होंने हमारी ऐसे समय पे मदद की है जिस समय हम किसी भी मदद की उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट गाय टू यू ऑल। दिस गाय हैज रियली हेल्प्ड अस अ लॉट। आई मीन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट दिस गाय ही वेंट ऑल द वे टू हिज होम एंड गेट दो सैनिटरी पैड्स फॉर द फीमेल। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस गाय बिकॉज दिस गाय हैज हाईली इम्प्रेस्ड अस। सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम साइजू। साइजू, ओके। So how long you been working in this property, Saiju? This is my 3rd week. This is your 3rd week? Yes. Okay, and he's very, very new to this property. Thanks, man. Thanks a lot. You stay here only? I just sleep here. Acha, you sleep here. And where are you from? You're from Kovalam? Vidhinam. It's a nearby village, next to village. Acha, it's 5 kilometers. It's a 5 kilometers. 5 to 6 kilometers. Fine. Thank you, man. Thank you for helping us. And I was not expecting, but and men like these are the real superhero, because I've seen men who will be acting cocky with all these female problems and all. But this kind of men are real superhero. And thanks again, man. Thanks a lot. Hamari Kovalam ki journey khatam hone pe aa rahi hai. Kanyakumari mein humne Vivekanand Rock and wahan pe jo statue hai, Tamilian poet थिरुवल्लुवर की, वो भी हमने दूर से ही कैप्चर किया है, लेकिन हम सनसेट एंजॉय किया हमने, काफी अच्छा था सनसेट एज व्हाट कन्याकुमारी इज नोन फॉर। फिर हम वापस आके 7 बज गए थे शाम के, वापस आते आते तो हमने कोवलम बीच पे ही कुछ कैफेज वगैरह में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। 2-3 कैफेज हैं वहाँ की, स्पेशलिटीज ट्राई की, बेसिकली मोस्टली सी फूड हमने ट्राई किया उन कैफेज में एंड काफी टेस्टी था एंड इट वॉज वेरी अमेजिंग। और इन्हीं सब चीजों से हमारा कोवलम का जो जर्नी है वो पूरा हो जाता है। अब बारी है ट्रिवेंड्रम को एक्सप्लोर करने की। तो ओवरऑल कोवलम का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा।